हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। एंड गाइस, इन टुडेस वीडियो आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर लुक। दिस इज सच अ न्यूट्रल लुक दैट यू कैन कैरी इट अप विद एनी ऑफ योर इंडियन ड्रेस। इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि आप एक ऑफ व्हाइट कुर्ता पहने या कुछ भी पहने, आप कुछ भी कलर का ड्रेस हो आपका एंड यू कैन गो वेल विद दिस पर्टिकुलर लुक। सो येस गाइस, विदाउट मेकिंग द इंट्रो एनी मोर लॉन्ग इनफ, लेट्स जस्ट डाइव राइट इन टू द वीडियो। स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर से एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग लॉरियल्स परफेक्ट व्हाइट क्रीम फॉर द एज 20+। आफ्टर अप्लाइंग इट जेनरसली ऑन माई फेस एंड नेक, आई विल बी रबिंग इट थ्रू। जहाँ जहाँ आप फाउंडेशन लगाएं वहाँ पे आप मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। सो यस गाइज, आई एम डूइंग द सेम थिंग। प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूंगी स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप फिक्सर बेस, कुछ ऐसे ही नाम है इसका। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटिंग प्राइमर है, मतलब इसमें बिल्कुल भी चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं है। और जब भी आप एक इंडियन लुक करते हैं देन ऑप्ट फॉर समथिंग दैट ऑलरेडी प्रोवाइड्स अ ग्लो टू योर फेस, क्योंकि इंडियन लुक्स में थोड़ा सा लाइक चटक टाइप का लुक अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइमर। हैड इट बीन अ कंप्लीटली मैट लुक और अ वेस्टर्न लुक देन आई वुड हैव स्किप्ड ऑन दिस। Now for the foundation, I'm using Maybelline's Fit Me Foundation in the shade 310 Sun Beach। और इसको मैं दो पंप लूँगी अपने ब्रश पे, जो फाउंडेशन ब्रश से मैं ब्लेंड करूँगी और डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाऊंगी। आई हैव एक्सप्लेन दिस मल्टीपल टाइम्स, ये करने से आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है फाउंडेशन की कवरेज के ऊपर। अगर आपको कहीं बिल्ड इन करना है तो आप बिल्ड भी कर सकते हैं, और कहीं पर अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको वापस जाके सोक इन भी कर सकते हैं। मैं फेस सेट करने के लिए लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसको एक फ्लफी पाउडर ब्रश की मदद से वहाँ वहाँ सेट कर रही हूँ जहाँ पे मेरे को जनरली ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और अगर आप लोग भी किसी बहुत गर्म जगह पे रहते हैं देन गो ऑन फॉर सेटिंग योर होल फेस, दैट वुड बी अ गुड थिंग, क्योंकि आपका मेकअप थोड़े समय के बाद स्वेट के साथ नीचे है, दैट्स नॉट रियली अ वेरी ग्रेट थिंग। सो यस गाइज, आई एम जस्ट विद अ लाइट हैंड पूरे फेस को ही सेट कर रही हूँ एक बार। अब यहाँ आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का न्यूड ऑब्सेशंस पैलेट इन द शेड लाइट। और सबसे पहले ये सबसे लाइट पिंक शेड लेके एक ट्रांजिशन शेड की तरह अपनी आईज पे बिल्ड इन करूंगी। ये मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर ले रही हूँ शेड को, एंड देन आई एम प्लेसिंग इट ऑन माई आईलिड्स, और दोनों ही आईलिड्स पे तब तक के करूंगी जब तक आई एम सेटिस्फाइड विद द इंटेंसिटी ऑफ द शेड। नाउ गाइज, आई हैव अ डिटेल्ड रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड स्वॉच वीडियो फॉर ईच एंड एवरी शेड फॉर दिस पर्टिकुलर पैलेट ऑन माई चैनल, एंड दैट वॉज अ वेरी रिसेंट वीडियो, मैंने कल ही अपलोड की थी। सो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर पैलेट, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। वंस आई एम डन विद प्लेसिंग द ट्रांजिशन शेड, अब मैं एक दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी जो थोड़ा सा छोटा है, और मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके उसको अपने आउटर एजेस पे प्लेस करूंगी और वहां से ब्लेंड करती हुई अंदर लाऊंगी। आई विल बी डूइंग दिस फॉर बोथ ऑफ माई आईलिड्स। वंस आई एम डन ब्लेंडिंग दिस डार्क ब्राउन शेड देन आई विल बी टेकिंग द शेड विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इट, विच इज अ लाइट पीच शेड, और इसको मैं ब्राउन के थोड़ा सा अंदर की साइड प्लेस करूंगी और फिर उसको ब्लेंड करते हुए अंदर की साइड लाऊंगी। नाउ गाइज, आई वॉन्ट टू मैंशन दिस, इन शेड्स में ब्लेंडिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब अभी आप खुद ही देखेंगे ब्राउन के बाद जो मैंने पीच ब्लेंड किया तो पीच ने पूरी ब्राउन की इंटेंसिटी ही खत्म कर दी। मतलब इन शेड्स की ब्लेंडिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एंड द फैक्ट दैट वी आर पेइंग 2400 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर पैलेट, आई डोंट रियली थिंक सो दैट दिस इज अ ग्रेट पैलेट टू गो अहेड विद। इसके बाद मैं एक टेपर्ड
ब्रश पे टेपर्ड ब्रश की मदद से शिमर शेड लूंगी। अब यहाँ पे मुझे एक ओम्ब्रे टाइप का शिमर क्रिएट करना था, इसीलिए पहले मैंने लाइट शिमर लिया, उसके बाद शैम्पिंग शिमर लिया, जो दोनों ही शिमर सेम पैलेट के थे। अब मैं शिमर के बारे में भी आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप शिमर शेड्स यूज करें तो प्लीज अपनी उंगलियों से ही करिएगा, ब्रश से बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं आया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत बार घिसा तब भी कुछ खास पिगमेंटेशन नहीं हुई। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि अगर आप इस पैलेट के शिमर्स यूज करें तो प्लीज अपनी उंगलियों से ही करिएगा। नाउ फॉर ब्रॉन्जिंग आई विल बी यूजिंग फिजिशियंस फॉर्मूलाज बटर ब्रॉन्जर, और यहाँ पे एक एंगुलर ब्रश की मदद से आई विल बी प्लेसिंग इट ऑन द पॉइंट्स वेयर आई यूजुअली कॉन्टोर माई फेस, दैट इज माई चीक बोन्स, माई फोरहेड एंड माई जॉ लाइन। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट स्किप ऑन योर नोज कॉन्टोरिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड स्ट्रक्चर्स योर होल फेस। वंस आई एम डन विद प्लेसिंग द ब्रॉन्जर ऑन ऑल द थ्री पॉइंट्स, आई विल बी क्रिएटिंग अ थ्री ऑन माई फेस विच आई हैव बीन रिलीजियसली फॉलोइंग सिंस द टाइम आई सॉ वन ऑफ किम कार्डाशियंस वीडियो इन विच शी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टेक्निक। सो यस गाइज, आई एम डूइंग द सेम। ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਚੁੰਮਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ। यहाँ पे ब्लश के लिए मैंने यूज किया था शुगर का ब्लश इन द शेड पिंक पिनिकल, और जैसा कि आप देख सकते हैं द ब्लश इज हाईली पिगमेंटेड। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ करके ही करें। और एक बार मैंने ब्लश को दोनों चीक्स पे प्लेस कर लिया, देन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ अ सनकिस्ड इफेक्ट, इसीलिए मैं उसको नोज तक लाके उसकी ब्लेंडिंग कर रही थी। नाउ गाइज, फॉर द हाईलाइटर आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर, एंड दिस इज फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट, दिस इज देयर मूनलिट हाईलाइटर, एंड आई एम प्लेसिंग इट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। एंड गाइज, आई जस्ट लव दिस हाईलाइटर, आई ऑलवेज गो ओवरबोर्ड विद दिस पर्टिकुलर हाईलाइटर, पता नहीं मेरे को ये बहुत पसंद है। ये सारे मेरे जितने भी हाईलाइटर हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मतलब मेरे पास हाई एंड भी है, बेका का हाईलाइटर भी है, बट आई पर्टिकुलरली लव दिस हाईलाइटर। नाउ गाइस, यहां पे मैं काजल के लिए व्हाइट काजल यूज कर रही हूं, दिस इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स, एंड दिस इज आई डोंट रियली नो द शेड, मैं भूल गई शेड, बट आई वुड मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू गाइज वॉन्ट इट। और अगर आप चाहें तो यहां पे आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं। आई वॉन्टेड टू गिव सम वाइडर आई इफेक्ट टू माई फेस टूडे, दैट्स वाई आई वेंट अहेड फॉर व्हाइट काजल। जब भी आप व्हाइट लगाते हैं तब आपकी आंखें बड़ी दिखती हैं, और ब्लैक लगाते हैं तब आपकी आंखें छोटी दिखती हैं। नाउ गाइज, व्हाइट थोड़ा सा अलग अजीब सा ना दिखे, इसके लिए मैं अपना जो ब्लेंडिंग ब्रश था जिससे मैंने आई शेडो ब्लेंड की थी, उस पर बिना कोई और पिगमेंट लिए जितना बचा था बस उससे स्मच कर रही हूँ, ताकि वो अलग सा ना दिखे, वरना थोड़ा सा भूत टाइप का लगता है अगर आप व्हाइट काजल, प्लेन व्हाइट काजल ही लगाएं और उसको ब्लेंड ना करें, इसीलिए आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। नाउ गाइज, वंस आई एम डन विद दिस, फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग नायकाज लाइक इट लॉन्ग मस्कारा। ये पूरा मेरे पास खत्म प्रोडक्ट आया था, आई एम जस्ट बिफोर थ्रोइंग इट अवे एक दो बार यूज कर लेती हूँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मस्कारा। और इसको मैं दोनों ही आई लैशेज पे लगा रही हूँ अपनी, और उसके बाद नीचे वाली आई लैशेज पे भी लगा रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ बचा नहीं है, सो जस्ट इन केस कुछ हो तो लग जाए। नाउ गाइज, हेयर कम्स द स्टार ऑफ द शो, नाउ आई एम गोइंग इन फॉर न्यूड लिपस्टिक टूडे, दिस इज स्विस ब्यूटीज लिप लाइनर इन द शेड चोको न्यूड। नाउ गाइज, दिस लुक इज सो न्यूट्रल कि आप यहाँ पे कोई भी शेड लगा सकते हैं, मतलब मरून, पर्पल, रेड, बर्गंडी, कुछ भी लगा सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लुक ऐसा है कि किसी भी शेड में आप बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे न्यूड लगाना था इसीलिए मैंने ये शेड लगाया। एंड गाइज, आई जस्ट लव हाउ दिस शेड लुक्स ऑन मी। नाउ इफ यू वॉन्ट आई विल मेक अ बेयर स्किन स्वॉच फॉर दिस पर्टिकुलर शेड ऑल्सो, बट गाइज आई रियली थिंक दैट दिस शेड इज अ परफेक्ट एवरीडे न्यूड फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल लेडीज। मतलब आप वर्किंग वुमेन हैं या जस्ट आपको न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है, जस्ट डोंट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर शेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट रिटेल्स ओनली फॉर 50 रुपीज, सो
यस गाइज, एंड ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग द शॉर्ट्स. ये जो ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, लिप लाइनर से फिल कर रही हूँ, इसका शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगी. सो यस गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय गाइज. आई लव यू ऑल. Okay guys, so this over here is my finished makeup look. I just topped it with some silver earrings and a bindi. And guys, the look is so neutral कि यहाँ पे मैंने तो न्यूड रखा है लिप शेड, बट आप कोई भी लिप शेड रख सकते हैं, लिटरली कोई भी लिप शेड रख सकते हैं एंड यू विल रॉक दिस लुक पर्टिकुलरली. एंड यस गाइज, आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ द लुक केम अप टू बी. एंड विथ दिस वी एंड टूडेज वीडियो. एंड गाइज, अगर आप किसी को भी जानते हैं, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए. आई वुड बी मोर देन ग्रेटफुल टू यू गाइज इफ यू हेल्प मी इन ग्रोइंग ओवर हियर ऑन यूट्यूब. एंड यस गाइज, विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय गाइज. आई लव यू ऑल. बाय.